नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। नारी होती है सम्मान का प्रतीक, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कलयुगी माँ की। ऐसी माँ जिसने 2 दिन की नवजात को फेंका कूड़े में, लेकिन पकड़ी भी गई। पुलिस की तुरंत कार्रवाई में ममता का गला घोटने वाली हैवान माँ को डाल दिया सलाखों के पीछे, जिसने नारी जाति को किया शर्मसार। जी हाँ, स्थानीय नंदन वाटिका क्षेत्र में एक प्लाट में शुक्रवार को दोपहर मिली नवजात बच्ची की मां को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सरसा के नर्सिंग होम में अपना नाम और पता भी गलत लिखवाया था। हालांकि बाद में पता चला कि नाम सही था। महिला पहले से ही 2 लड़कियों और 2 लड़कों की माँ है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दोपहर बाद नंदन वाटिका में एक नवजात बच्ची मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद CWC की चेयरपर्सन अनीता, CWC की सदस्य गीता कथुरिया, जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, चाइल्डलाइन के संयोजक जसप्रीत और कीर्तिनगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने पास में स्थित तोमर नर्सिंग होम में जाकर पूछताछ की, तो वहीं से पता चला कि बांसल कॉलोनी निवासी एक 48 साल की महिला सावित्री ने वीरवार को 9:20 पर एक नवजात बच्ची को जन्म दिया, जिसकी 2 लड़कियां पहले से शादीशुदा हैं और 2 लड़के भी बताए जा रहे हैं। अस्पताल से पुलिस को इसका पता लगा। महिला शुक्रवार दोपहर को बच्ची को लेकर के घर से चली गई थी। उस समय माना गया कि महिला ने अस्पताल से जाते समय नंदन वाटिका क्षेत्र में सुनसान इलाके में एक प्लाट में बच्ची को फेंक दिया। पुलिस ने बाद में जाँच की तो पता चला कि महिला ने पता गलत लिखवाया है और उनका फ़ोन नंबर भी सही है। पुलिस ने फ़ोन की सर्विलेंस पर लगा करके महिला की तलाश शुरू की। आखिरकार महिला ने सब कुछ कबूल भी लिया। पुलिस ने महिला सावित्री देवी को और पत्नी पप्पू को शुक्रवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला राजस्थान के अलवर जिला के गांव खरतल की रहने वाली है और हाल ही में झुग्गी झोंपड़ी के निकट ऑटो मार्केट में रहती है। पुलिस द्वारा महिला से अभी तक पूछताछ जारी है। इसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। अभी कुछ ही देर पहले हमें एक सूचना मिली कि नंदन वाटिका बांसल कॉलोनी के पास डॉक्टर तोमर की बैक साइड पे एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली है, तो उसके लिए हमें सिविल हॉस्पिटल तुरंत पहुंचने के लिए कहा गया। CWC के मेंबर और मैं खुद वहाँ पर हम पहुँचे हैं और बच्ची की कंडीशन को देखा है। बच्ची की कंडीशन एट प्रेजेंट ठीक है और बच्ची आगे सर्वाइव कर जाएगी। बच्ची लगभग 1.5 दिन के करीब है उसका समय और 2 किलो के करीब उसका वजन है और उनके खिलाफ आगे FIR दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई पुलिस और डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। परिजनों को सूचना दी गई है वो आने वाले? परिजन नेचुरल है, FIR हो गए तो परिजन तो पहुँच ही जाएंगे। बच्चे की स्थिति बिल्कुल ठीक है, हमने अभी बच्चे के पास जाके उसको देखा है, बच्चे ठीक है, सरवाइव कर जाएगी और फिजिकल। कल एक जो लावारिस बच्ची मिली थी, नवजात बच्ची बता रहे हैं, इसमें क्या मतलब अब तक कार्रवाई हुई है? कल शाम को एक नवजात बच्ची तोमर नर्सिंग होम की बैक साइड पर जो नंदन वाटिका है उसमें खाली प्लॉट में कोई माता फेंक गई थी अपनी बच्ची को जी। और उस बच्ची के जब रोने की आवाज किसी ने राहगीर ने सुनी तो उसको देखा तो एक ऐसे लावारिस अवस्था में पड़ी थी। मात्र वो लगभग 2 दिन की उसकी अवस्था थी, 2 दिन की बच्ची थी वो। तो इस प्रकार भाई कन्हैया की एम्बुलेंस से उस बच्ची को सिरसा सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस वालों ने भी एक्शन लिया, उस पर FIR दर्ज हुई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्षा श्रीमती अनीता वर्मा और मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर चाइल्डलाइन से कोऑर्डिनेटर जसप्रीत सिंह भी साथ थे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर गुरप्रीत कौर भी साथ में थी और वहाँ पर जाकर हमने बच्ची की अवस्था देखी। बच्ची सरवाइव कर रही थी और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बच्ची सरवाइव अच्छे से कर जाएगी, क्योंकि जब उसको भगवान ने बचा लिया है तो अवश्य ही उसका सर्वाइवल भी अच्छा ही होगा जी। मैम, इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? हाँ, इसके बारे में जो स्थानीय पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनके SHO साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया है कि बच्ची की माँ जो है कल रात को हमने गिरफ्तार कर ली थी, क्योंकि उसके बारे में उनको पता चल चुका था, जो एड्रेस वगैरह है नर्सिंग होम से पता चल गया था और उन्होंने उसकी बच्ची की जो नवजात बच्ची की माँ है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल में है। और आगे जो हमारी बाल कल्याण समिति है, अब इसकी जब सिटिंग होगी
तो उसके बारे में हम बच्ची के बारे में हम निर्णय लेंगे कि उस बच्ची को हम एडॉप्शन एजेंसी में भेजेंगे या कुछ और निर्णय लेंगे, जो भी होगा वो समिति मिल बैठ के फैसला करेगी। फिलहाल बच्ची जो है वो सिविल हॉस्पिटल के जो बच्चा जहाँ पर इंटेंसिव केयर में रखे जाते हैं उसमें दाखिल है और अगले आदेशों तक, बाल कल्याण समिति के अगले आदेशों तक बच्ची वहीं पर ही रहेगी। सर, ये जो कल नवजात बच्ची सिरसा में मिली है, क्या है पूरा मामला, क्या है? जी, हमें किसी कंप्लेनेंट ने कॉल करके बताया था कि बच्ची ये तो अमर हॉस्पिटल के साथ नंदन वाटिका का कोई प्लाट वहाँ पे खाली है, वहाँ पे कोई बच्ची को फेंक गया था। एक दिन की बच्ची थी और हमने जब वहाँ बच्ची के पास पहुँचे तो बच्ची को भाई कन्हैया आश्रम की एम्बुलेंस के द्वारा और पुलिस के द्वारा बच्ची को सिविल हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था। तो हम टीम के साथ ही हम बच्ची को वहाँ पे जाके देखा, बच्ची तो अच्छी थी, बच्ची नर्स वहाँ पे। डॉक्टर से बात हुई आपकी? हाँ जी, बच्चों डॉक्टर बच्चों के वहीं थे और जो अपना शिशु वार्ड होता उसी में बच्ची, उसमें बच्ची को रखा गया था। बच्ची बिल्कुल सही थी और उसके लिए फीड वगैरह का जो भी वहाँ पे डॉक्टरों ने पूरा इंतजाम कर रखा था, बिल्कुल स्वस्थ थी। तो इस मामले में आगे पुलिस कार्रवाई हुई है कोई? पुलिस वहाँ पे पुलिस भी पहुँची हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छे से काम करते हुए और बच्ची का उसके माता पिता का जो एड्रेस था वो ट्रेस आउट कर लिया, वहाँ से हॉस्पिटल से वो उसकी स्लिप वगैरह निकलवा के उसका वहाँ पे मोबाइल नंबर लोकेशन से बच्ची की मदर को ट्रेस आउट कर लिया गया और रात ही तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा जी, तो उन्होंने रात ही FIR दर्ज करके और उसमें बच्ची की मदर को अरेस्ट कर लिया जी। आगे इस तरह के जो मामले होते हैं इसमें कोई खास कार्रवाई आगे क्या होती है, ये मामला आगे कहाँ जाएगा? आगे की कार्रवाई इसमें यही है कि हम चाइल्ड लाइन और DCPO और अपना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तीनों टीमें इकट्ठी थी वहाँ पे। आगे का बच्चे का जो भी इसका पुनर्वासन का होता है जी, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का आगे बच्ची को पेश किया जाता है। जब बच्ची के पास वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम वहाँ पे पहुँचती है, आगे का उसका भविष्य को देखते जो कमेटी डिसाइड करेगी कि बच्ची को कहाँ पे भेजा जाएगा जी। शुक्रिया।